दोस्तों डीसी फैन बनाने वाले हैं अपन, बैटरी पे चलने वाला डीसी फैन जो बनाते हैं ना, ठीक, कम से कम लागत में कम खर्च के अंदर अपनों को अच्छा फ़ैन बनाना है। डीसी फैन उसमें लगने वाली है एटम है, देखो एकदम कम एटम में अपन फ़ैन बनाएंगे। ये रेडीमेड फ़ैन है पारोल डीसी मोटर के लिए, ये मोटर है इसके लिए स्पेशल फ़ैन है, ये परफेक्ट इसमें बैठता है। और इसके लिए अपन ये एक एल्बो, एक कपलिंग और एक फिट का पाइप का टुकड़ा और एक स्विच और थोड़ा सा वायर, ये सिर्फ गिने चुने कम आइटम के अंदर अपन फैन तैयार करेंगे, एकदम बढ़िया फैन कम खर्चे के अंदर। चलो अपन फैन बनाते हैं। देखो ये पाइप लिया अपन ने, ये कपलिंग के अंदर लगा दिया इसको इस तरीके से, ये इसका बेस खड़े रहने के लिए, और ये शेप दे देंगे इसके ऊपर ऐसा रख देंगे बस अपन, और इसके ऊपर एक एल्बो लगा देंगे ऐसा, उसके अंदर ये मोटर को फिट करेंगे अपन। ये भी ढीली है, इसके अंदर थोड़ा सा पाइप का टुकड़ा डाल देंगे अपन, ये फिटिंग आ जाएगा इसको इस तरीके से। अभी डायरेक्ट फिट करके बताता हूँ आपको। इसकी पहले अपन वायर जॉइंट कर देंगे इसको मोटर को, और यहाँ पे छेद करके एक स्विच फिट कर देंगे ऑन ऑफ करने के लिए, और ये फैन लगा देंगे उसको। ये वायर लगा दिया अपन ने मोटर में, जॉइंट कर दिया इसको शोल्डर करके, ये स्विच है स्विच को भी वायर शोल्डर कर दिया अपन ने, इसके अंदर छेद भी कर दिए, अब इसके अंदर स्विच फिट कर देते अपन। ये देखो ये स्विच भी फिट कर दिया अपन ने, मोटर भी फिटिंग हो गई पूरी तरीके से, वायर भी बाहर निकाल दिया अपन ने, ये पूरा वायरिंग एक्यूरेट हो गया इसका, ये पूरा चालू, बस अपनों को फिटिंग करना है। ये देखो ये एलिमेटर है 12 वोल्ट का, उसके अंदर वायर जोड़ देते अपन, ये माइनस प्लस बैटरी पे भी लगा सकते हैं अपन। अभी एलिमेटर पे चेक कर रहे हैं अपन, ये स्विच ऑन, ये देखो ये चालू हो गया ऑन ऑफ। अभी पूरा तैयार है अपने सिस्टम, ये कपलिंग पाइप फिट कर दिया अपन ने, और ये एल्बो इसमें लगा देना है आप लोगों को। ये देखिए ये पूरा फैन तैयार हो गया अपना, बस इसको अपन यहाँ चिपका देंगे, इसके अंदर वेट के लिए कुछ भी भर देंगे ताकि उसका बैलेंस अच्छा रहे। अभी कहते हैं नाजुक है, इसको चिपका देंगे, इसके अंदर कुछ भी अपन भर सकते हैं, इसके अंदर रेत वगैरह डाल देंगे, ये वेट रहेगा तो फैन गिरेगा नहीं, इसको अदर रख सकते हैं अपन। ये हो गया अपना फैन तैयार। ये ब्लेड इजीली बैठ जाता है इसका, ये देख सकते हैं आप। और इसको जाली लगाना बाकी है, जाली लगाई नहीं अपनी, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने जाएगी का कोई अभी साधन नहीं रखा हूँ। आप ये वीडियो बनाएंगे कभी भी ये फैन बनाएंगे तो इसको आपको जाली लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जो ब्लेड है इसके तेज़ है, लगने का डर है, वैसा निकलते नहीं, फुल टाइट है, लेकिन आज आप अगर फैन बनाएंगे तो उसको जाली लगाना ज़रूरी है। ये देखो मैं आप चालू करके दिखाता हूँ आपको, ये पूरी तरीके से फिट हो गया है, बस इसको यहाँ चिपकाना है, चिपका के बता दूंगा मैं। अभी एक बार चिपका देता हूँ, उसमें रेत भर देता हूँ, फिर आपको फुल टेस्टिंग देता हूँ। ये प्लेट है, ये कपलिंग भी इस तरीके से अपन चिपका देंगे ताकि इसका बेस अच्छा रहेगा, फैन गिरेगा नहीं, काय की भी मदद से चिपका सकते हैं अपन, फेविकॉल फेविक्विक। देखो अपना टेबल फैन पूरी तरह से तैयार है।
ये उसका बेस, इसके अंदर रेत भर दी अपन ने, उससे वजन हो गया उसमें, ये फैन मजबूत हो गया, गिरेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। और देखने में भी डैशिंग लग रहा है, देख सकते हैं आप। इधर से स्विच लगा दिया अपन ने उसको, बारह वोल्ट के एलिमीटर पे अपने चेक करने के लिए लगाया उसको, बैटरी पे भी लगा सकते हैं अपनी, स्विच ऑन ऑफ। देखो अब इसको चालू करके दिखाता हूँ आपको, इसकी हवा भी चेक कर लो। ये देखो फैन पूरा तैयार, अब इसकी हवा चेक करेंगे अपन लगा के चालू करके। ये देख सकते हैं आप, स्पीड भी एकदम बढ़िया है, हाई स्पीड है, आवाज़ से समझ में आ जाएगा आपकी स्पीड कितनी है। जाली लगाना ज़रूरी है, तो जाली बाद में लगा सकते हैं अपन। देखो इसकी हवा, एकदम सक्सेसफुल फैन है, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया हवा रही है।